रहीम, आर्मी ओ कोर्स इंस्ट्रक्टर हिना शरीफ, कोर्स इज़ फार्माकोग्नोसी 1B बेसिक, कोर्स कोड इज़ फार्म 416. वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द ड्रग्स ऑफ एनिमल ओरिजिन. हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसमें हम क्रूड ड्रग्स डिस्कस करेंगे जो एनिमल रिसोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है. इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस शिलैक, मस्क एंड सिवेट. आज के लेक्चर में हम 3 क्रूड ड्रग्स को स्टडी करेंगे जो कि एनिमल से ऑब्टेन की जाती है. उनके नाम हैं शिलैक, मस्क एंड सिवेट. दिस इज द थर्ड एनिमल ड्रग. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 एनिमल ड्रग, दैट इज हनी एंड जेलेटिन. सो थर्ड ड्रग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड शिलैक. शिलैक इज ऑल्सो नोन एज लैक. Its source is resinous substance obtained from the secretion of scale insects Scaria laca. Shellac basically एक resinous substance है. Resinous substance मैंने resins आपको बताया था. These are the complex organic compound. Normally amorphous और shiny structures होते हैं. और ये basically कहाँ से obtain होते हैं? This is basically a secretion of a scale insect. एक insect है, its name is Scaria laca. ये इसकी सिक्रेशन होती है जो कि वो डिफरेंट ब्रांचेस पे या ट्री पर डिपॉजिट कर देता है, सिक्रीट कर देता है. तो इसको आप यूटिलाइज करते हैं एज अ कलरिंग एजेंट के तौर पर. प्रोडक्शन इसकी मोस्टली जो प्रोडक्शन होती है वो चाइना में होती है. चाइना में शिलैक को कमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है और टोटल वर्ल्ड यील्ड का 5% जो है वो चाइना प्रोड्यूस करता है. तो शिलैक इज़ अ कलरिंग मैटर विच इज़ कमर्शली प्रोड्यूस्ड बाई चाइना विच यील्ड अबाउट 5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रपोर्शन. ठीक है, जो परसेंटेज वर्ल्ड में होती है. नाउ द कलेक्शन, इसको कैसे आप प्रिपेयर करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं, कैसे प्योरीफाई करते हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने आपको बताया, दिस इज़ अ रेजिनस सेक्रेशन जो कि केरिया लैका इंसेक्ट जो होता है वो ट्रीज पे स्मॉल ब्रांचेस या ट्विग्स पे स्टेम्स के ऊपर सिक्रीट कर देता है. फाइनली इन सिक्रेशंस को, रेजिन्स को स्क्रैप किया जाता है फ्रॉम ब्रांचेस, सेपरेट कर लिया जाता है. डिफरेंट कर्व नाइव्स को यूज़ किया जाता है और नाइव्स की मदद से इसको स्क्रैप कर लिया जाता है. आफ्टर स्क्रैपिंग इसकी एक्सट्रैक्शन होती है जो कि वाटर या फिर डाइल्यूट सोडा सॉल्यूशन से परफॉर्म की जाती है. एक्सट्रैक्शन के बाद इसमें जो भी लिक्विड है या सॉल्वेंट है उसको एवेपोरेट कर लिया जाता है ताकि सॉलिड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में लैक डाई ऑब्टेन हो सके. लैक डाई क्योंकि ये कलरिंग मैटर है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डाई. सो दिस इज़ द कलेक्शन प्रोसीजर थ्रू विच वी ऑब्टेन द शिलैक और लैक डाई इन पाउडर फॉर्म. नाउ इस टाइप्स, बटन लैक जो है हमारे पास, अगर ये मेल्ट कर दी जाए तो ये स्टेम फॉर्मेशन में यूज होती है, स्टैम्पिंग के पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाती है. सेकेंड टाइप है फ्लेक शिलैक, या फिर इसको ऑरेंज शिलैक भी कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ऑरेंज होता है. ये डिफरेंट कलरिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ रूबी और गार्नेट शिलैक. इसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रूबी और गार्नेट शिलैक. अगेन इसको कलरिंग मैटर के तौर पर यूज़ किया जाता है डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म में भी, पेंट्स में भी, वार्निशेस में भी. तो ये एज अ कलरिंग एजेंट के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है. फार्माकोपिया में जो इसकी टाइप्स डिफाइन की गई हैं वो ये हैं. फार्माकोपियल टाइप्स इंक्लूड वैक्स कंटेनिंग शिलैक, शिलैक जिसमें वैक्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, टू ब्लीच शिलैक, ब्लीच शिलैक जिसको कम्प्लीटली ब्लीच कर लिया जाए कलरिंग मैटर को. नेक्स्ट इज डी वैक्स शिलैक विच इज़ फ्री फ्रॉम वैक्स. एंड द फोर्थ वन इज ब्लीच डी वैक्स शिलैक. सो दी शिलैक आर यूज एज फार्मास्यूटिकल एड. सो जो भी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है जहाँ पे कलर्स रिक्वायर्ड होंगे तो वहाँ पर इन फॉर्म में शिलैक को यूटिलाइज किया जाएगा. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर वैक्स होती है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर शाइनी होता है 6%. कलरिंग मैटर प्रेजेंट होता है 6.5%. नॉर्मली इसका कलर जो होता है वो या तो ऑरेंज होता है या फिर रेडिश ब्राउन होता है, रेड कलर में होती है इसकी डिफरेंट रेंज. जहाँ पे हमारे पास कैप्सूल टैबलेट्स में या किसी डोजेज फॉर्म में कलर की नीड होती है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट लैक्सिक एसिड, लैक्सिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट रेजिन्स क्योंकि ये इटसेल्फ एक रेजिन होता है.
नेक्स्ट इंसेक्ट रिमेन्स इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें कुछ माइक्रो पार्टिकल्स की प्रेजेंस हो सकती है। वेजिटेबल डेब्रिसेस भी हो सकते हैं क्योंकि एनिमल जो है या इंसेक्ट जो है वो वेजिटेबल को या प्लांट को एज अ फूड यूटिलाइज करता है, तो ये बहुत माइक्रो पार्टिकल्स की प्रेजेंस इसमें पॉसिबल है शिलैक के अंदर, जो कि नॉर्मली विजुअलाइज नहीं की जा सकती। इसके प्योरिफिकेशन मेथड के अंदर इंसेक्ट रिमेन्स और वेजिटेबल डेब्रिसेस को सेपरेट कर लिया जाता है। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द शिलैक। नाउ द यूजेस, ये फार्मास्यूटिकल एड के तौर पर यूज होता है। अगर किसी टैबलेट को कलर रिक्वायर्ड हो या कैप्सूल्स में कलर रिक्वायर्ड हो तो इसको फार्मास्यूटिकल कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, और इसमें फार्मास्यूटिकल ग्रेड जो क्लासिफिकेशन है वो शिलैक अवेलेबल होते हैं जो हमने अभी किए थे, जिसमें वैक्स, डी वैक्स और ब्लीच शिलैक्स इंक्लूडेड थे। अगेन इस क्योंकि ये कलरिंग एजेंट है तो इसको वार्निशेस और पेंट्स में, पॉलिशेस में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वैक्स कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, डेट्स वाई ये एक शाइनी अपेरेंस देता है। सीलिंग वैक्स के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ शिलैक, द थर्ड एनिमल ड्रग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्केल इंसेक्ट कॉल्ड केरिया लैका। फोर्थ ड्रग विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज मस्क। इट्स सोर्स इज ड्राइड सिक्रीशन फ्रॉम प्रीप्यूशियल फॉलिकल्स ऑफ द मस्क डियर। इस साइंटिफिक नेम इज मॉस्कस मॉस्किफेरस विच इज़ फाउंड इन चाइना एंड हिमालयाज। बेसिकली मस्क क्या होती है, ये एक ड्राइड सिक्रीशन होती है प्रीप्यूशियल फॉलिकल ऑफ मस्क डियर, उसके जो फॉलिकल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के करीब उसमें से सिक्रीशन होती है, और ये मस्क डियर बेसिकली क्या कहलाता है, मॉस्कस मॉस्किफेरस, और ये नॉर्मली जो है इसकी अकरेंस होती है चाइना में और हिमालयाज में। जो मस्क जो मटेरियल है इट इज़ प्रेजेंट इन द पॉड्स। पॉड्स बेसिकली क्या होते हैं, पॉड्स मस्क कंटेनिंग सैक्स होते हैं जो कि एनिमल के फॉलिकल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोडक्शन इसमें मस्क को से सेपरेट करके इसकी डिस्टिलेशन की जाती है मस्क डियर से, और डिस्टिलेशन से जो आपको सोल्यूशन ऑब्टेन होता है इट इज़ 1.4% डार्क ब्राउन वोलेटाइल ऑयल। तो ये क्या होता है, 1.4% डार्क ब्राउन वोलेटाइल ऑयल हमारे पास एज अ मस्क यूज़ किया जाता है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग ओडर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसका है इट इज़ कॉल्ड मस्कोन। मस्कोन साइंटिफिकली क्या है, दिस इज साइक्लिक कीटोन, ठीक है, ये साइक्लिक कीटोन है, स्ट्रक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के साथ, सो दिस इज साइक्लिक कीटोन एंड दिस इज बेसिकली अ क्लोज चेन ऑफ 15 कार्बन एटम, यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर। along with mascone it also contain steroidal hormones because ye reproductive organs ke kareeb hai to uske andar hormones present hote hain। mascopyridine iske andar present hoti hai, that's why iski jo smell hoti hai, fragrance hoti hai wo bahut strong hoti hai, aur iske alawa kuch alkaloidal aur peptides principle bhi iske andar maujood hote hain। so these are the constituent of musk, the structure is given for your reference। Now the uses, it is used as fixative, it is used as perfume because of its strong smell or odor, it is also anti-inflammatory agent, this is the new research, इसके अंदर anti-inflammatory property को research किया गया है, discover किया गया है, और किन disease के against, arthritis में, आपको पता होगा कि arthritis में bone की inflammation हो जाती है, तो यहाँ पर जो आर्थराइटिक इन्फ्लेमेशन है उसके अगेंस्ट इसको एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, और इसको अंडर रिसर्च है कि ये फर्दर इसके अंदर जो भी सक्सेस होती है आर्थराइटिस के इन्फ्लेमेशन में वो रिपोर्ट की जाएगी। अगेन फिर इसको क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी है एडिमा के अगेंस्ट भी यूज़ किया जा रहा है और इस पर रिसर्च कंटिन्यू है। नेक्स्ट इज़ हीमोलाइटिक एजेंट है, हीमोलाइटिक है हीमोलिसिस जो बेसिकली कॉज करता है, जहाँ थर्मबोसिस हो जाते हैं, ये है खून जम जाता है, उसको क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए इसको हीमोलाइटिक एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। अगेन दिस एक्टिविटी इज़ अंडर रिसर्च और इसको रिपोर्ट किया जा चुका है एनिमल्स के अंदर। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मस्क। नंबर फिफ्थ ड्रग इज कॉल्ड सिवेट। सिवेट इज ऑल्सो कॉल्ड सिवेट मस्क।
बिकॉज ये रिजेंबल करता है मस्क के साथ, इसकी स्मेल और इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, स्लाइटली डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है? सोर्स बेसिकली इसकी पेरेनियल फॉलिकल ऑफ अफ्रीकन और इंडियन सिवेट कैट्स. सो ये हमारे पास ऑब्टेन होती है पेरेनियल फॉलिकल से, जो बैक साइड पे फॉलिकल्स होते हैं अफ्रीकन और इंडियन सिवेट कैट्स के, ये विवेरा स्पीशीज़ कहलाती हैं और इससे इसको ऑब्टेन किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसमें? बेसिकली जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सिवेट ऑयल होता है. सिवेट ऑयल को सिवेट मस्क भी कहा जाता है. इसी सिवेट ऑयल के अंदर जो फर्दर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहलाते हैं सिवेटोन. सिवेटोन की कंसंट्रेशन 2.5 to 3.4% तक होती है और केमिकली ये क्या है? दिस इज़ अ साइक्लिक कीटोन एंड इट इज़ अ क्लोज चेन ऑफ 17 कार्बन एटम्स. ऑलमोस्ट इसका वही स्ट्रक्चर है, वही डेफिनेशन है. डिफरेंस क्या है कि मस्कोन में 15 कार्बन एटम्स थे और सिविटोन में 17 कार्बन एटम्स की क्लोज चेन प्रेजेंट है. अलॉन्ग विद दैट इसमें 1% इंडोल एंड स्केटोल प्रिंसिपल्स भी होते हैं जो कि इसकी स्मेल को एनहांस करने में हेल्प आउट करते हैं. सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट. सिविटोन बेसिकली इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्की ओडर. मस्की ओडर, मस्क लाइक ओडर दैट बिकम्स प्लेजेंट एट एक्सट्रीम डायल्यूशंस. और इसको प्लेजेंट कैसे किया जाता है? इसकी एक्सट्रीम डायल्यूशन, बहुत ज़्यादा इसको डायल्यूट कर लिया जाता है तो ये जो स्ट्रॉन्ग मस्क की स्मेल होती है कैसी हो जाती है? प्लेजेंट हो जाती है. सिविटोन इज क्लोजली रिलेटेड टू मस्कोन, या उससे क्लोजली रिलेटेड होता है मस्कोन से. डेट्स वाई हमने आपको बताया था दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिवेट मस्क. द स्ट्रक्चर इज गिवन फॉर योर रेफरेंस. यहाँ पे 17 कार्बन की चेन है, कीटोन स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा. तो दिस इज अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिवेटोन. नाउ इट इज रिप्लेस बाय अ सिंथेटिक कंपाउंड. क्योंकि इसको ऑब्टेन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसकी यील्ड भी बहुत कम आती है, तो अब इसको रिप्लेस कर दिया गया एक सिंथेटिक कंपाउंड से जो कि बहुत इजीली प्रिपेयर हो जाता है. इस नेम इज 5-cyclohexadecane-1-one. सो दिस कंपाउंड इज नाउ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिवेट मस्क और सिवेट. यूजेस इसको एज अ फ्लेवर एंड परफ्यूम यूज़ किया जाता है. थैंक यू सो मच.